हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोया चाप मसाला। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो सोया चाप। इसको अब हम उबलते हुए पानी में 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जिससे इसकी गंदगी हट जाए और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम सभी चाप को उबलते हुए पानी में डाल देंगे। जब तक ये चाप हमारे बॉईल हो रहे हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज़ की प्याज और 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर को हम पीस लेंगे, प्यूरी बना लेंगे और प्याज को लंबा बारीक काट लेंगे। अब इसको उबलते हुए 5 मिनट हो गया है, गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे छन्नी में छान के ठंडा कर लेंगे। देखिए, ये ठंडा भी हो गया है। इसको मैंने छन्नी में निकाल लिया था। अब इसके अंदर जो स्टिक है, हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अब हमने सारी स्टिक को इसमें से निकाल लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए। इस तरीके से हम सभी सोया चाप को काट देंगे। अब हम जो सोया चाप हमने काट के रखे हैं, उनको फ्राई करेंगे। यहाँ मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसको रेड होने तक फ्राई करना है। हम इसको फ्राई इसलिए कर रहे हैं कि इसमें बची कुची जो स्मेल है वो भी चली जाएगी। वैसे तो हमने बॉईल भी कर दिया था, लेकिन आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए, रेड होने लगे हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह सारे चाप को फ्राई कर लेंगे। हो गए हैं। अब हमने जो सोया चाप फ्राई करके रखे हैं, उसको मैरिनेट करेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून दही, जो कि मैंने गाढ़ा दही लिया है और फ्रेश है ये। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करते हैं। ग्रेवी के लिए अब हम जो प्याज हमने काट के रखी हुई है, उसको भी फ्राई करेंगे। प्याज भी अच्छे से एकदम फ्राई हो गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे। प्याज को हमें इस तरीके से किसी स्पून की मदद से प्रेस करते हुए सारा ऑयल निकाल लेना है। देखिए, प्याज अच्छे से मैंने ऑयल से निकाल ली है। मैंने यहाँ पे 8-10 काजू के टुकड़े लिए हैं, इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। काजू को भी लाल होने पर हम निकाल लेंगे। देखिए, काजू भी रेड हो गए थे। अब हम इसको जिसमें हमने प्याज निकाल के रखी है, उसी में निकाल लेंगे और प्याज और काजू का पेस्ट बना लेंगे। अब हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल रोक लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 से 3 लौंग और 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, वो हम डाल देंगे। टमाटर को हमें पानी सूखने तक पकाना है और जब तक कि इसमें से ऑयल ना छोड़ दें। अब टमाटर का पानी धीरे धीरे सूखने लगा है,
और इसमें से ऑयल भी निकलने लगा है, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। अब टमाटर अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे हमारा कलर बहुत अच्छा आएगा, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल इसमें छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बना के रखा था, और इसको भी डाल के हम भूनेंगे। अब इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। हम इन्हीं मसालों के साथ इसमें 1.5 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी अच्छे से इसी के साथ भून लेंगे। इसी टाइम अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, क्योंकि हमने नमक जो है सोया चाप में मैरिनेट करते समय भी डाला है। अब सभी मसालों ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे सोया चाप। अब इसमें हम सभी सोया चाप को मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। हमने इसको अच्छे से 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। अब हम इसमें 2 कप खौलता हुआ पानी डालेंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए पका देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने लिड हटा दिया है। देखिए कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है सब्जी ने, और ये बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारी सोया चाप सब्ज़ी एकदम तैयार है। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। जिन लोगों ने ये सब्ज़ी कभी ट्राई नहीं की है, वो भी ये सब्ज़ी एक बार ट्राई करें, उनको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।